वेरी गुड मॉर्निंग. आज जैसे ही सुबह उठी इतनी तेज बारिश लगी हुई थी, बिल्कुल मेरा दिल एकदम खुश हो गया. ऐसे उठे अंधेरा अंधेरा, ये तो 6:30-7 बजे उठते हैं तो मौसम एकदम उजाला होता है. आज तो पूरा अंधेरा और ठंडा ठंडा, ऊपर बादल देखो कितने मस्त छाए हुए. आज हम लोग बनाएंगे कड़ी आलू वाली और करेला. आज ना मैं इसको यूज़ करके देखने लगी हूँ कि कैसा है ये. तो लहसुन प्याज मैंने काट के यहाँ पे रख लिए और इंडक्शन ना मैंने बंद कर दिया कि ना वो जल जाएगा तड़का हमारा. कड़ी में थोड़ा पानी डालना है फटाफट से, सुबह सुबह काम होता है. चाय एक बार मैं पी चुकी हूँ, दूसरी बार मैं पीऊँगी. ये इसका रिव्यू बहुत बहुत मस्त है और जो लोग यूज़ करते हो करे बहुत अच्छा है. अभी हम देखते हैं इसको यूज़ करके कैसे. ये तो यार बहुत अच्छा है, सारा काम ही आसान हो गया. मतलब कितना, मतलब लाइक पहले मैं कूटती थी अदरक को लहसुन को. मुझे ऐसा लगता है कि ये लहसुन वाला है, बट हम इसको 2-3 और तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं. बट मुझे बहुत मस्त लगा, बट थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है मेरे को इसको करने के लिए, क्योंकि अभी फ़र्स्ट टाइम है. और आप देखो कैसा आराम से हमारा जो लहसुन है वो निकल रहा है. और पता है तेल में जब लहसुन पकता है ना, प्याज हरी मिर्ची, उसकी जो खुशबू आती है ना, एक्चुअली जब कड़ी बनाते हैं ना, मेथी जीरा प्याज लहसुन मिर्ची जो कुछ भी हम डालते हैं तड़के में, उसकी जो खुशबू आती है ना वो बचपन की याद दिलाती है. और कड़ी बनना मतलब घर में ऐसा होता था कि हाय आज तो खूब सारी रोटी खाएंगे. तो मेरे को कड़ी और ज्वार का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगता है. और पता कुदरती, जब मैंने ज्वार का आटा खाना शुरू किया था तो मुझे लोगों ने बताया भी था कि ज्वार की रोटी को बॉम्बे में कड़ी के साथ खाते हैं. मैंने कहा वाह. और मेरे को ना ज्वार की रोटी मक्की की रोटी की जैसे लगती है. तड़का मेरा थोड़ा पक रहा है, तब तक मैं दही और बेसन को मिक्स कर रही हूँ. प्याज ना मैं कड़ी में लंबा लंबा काट के डालती हूँ और सुबह सुबह फटाफट से प्याज कट करो और उसी के साथ करेले की सब्जी भी बन जाती है. जो भी कुछ करना होता है तो प्याज इकट्ठा ही काट लेती हूँ तो मेरा काम आसान हो जाता है. और सुबह सुबह ना सही बताऊँ बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है, क्योंकि लंच भी पैक करना है और ब्रेकफास्ट भी बनाना है और रोज़ बनाना है. और यहाँ पर IIT कानपुर की तरह ये नहीं है कि नहीं बना तो हॉल फॉर चले जाएंगे या मैस में खा लेंगे, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन है. आलू को पकाने के लिए मैं थोड़ी देर गैस पे इसको रखूँगी. थोड़ा मैंने लाल मिर्च डाली है, हल्दी नमक डाला है और यहाँ पे मैंने कुछ मिक्सचर था मेरा मिर्ची का, वो मैंने कड़ी में डाल दिया. और मुझे यहाँ पे के ना जो दही है ना उसका इतना स्वाद नहीं आता अपने वहाँ के दही के जैसे, थोड़ा मुझे वो लगता है. पर फिर भी मैं कह चलो ठीक है, जैसा है वो आदत. अब लगने में टाइम लगता है ना, कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको टेस्ट नहीं आ पाता है ना. तो यहाँ की बिना कड़ी का मुझे उतना वाला वो टेस्ट नहीं आ पाता. हल्दी हमारी ख़त्म हो गई थी तो फिर मैं नया पैकेट उसका लगा रही हूँ हल्दी का. और मेरे बाल देखो कितने लंबे हो गए. मुझे किसी ने ना टोका था, किचन में काम करती हूँ ना तो बाल बंद करा करो. तो मैं ना जब भी किचन में आती हूँ तो उनका कमेंट मेरी आँखों के सामने आ जाता है और उनकी बात है प्रियंका बाल बंद करके किचन में जाया करो. तो मैंने कहा ठीक है यार, सब्सक्राइबर्स ना अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं. ये नहीं है कि आपकी टांग खींचते हैं, आपको बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं. जो अच्छा बोलते हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, यही मैंने सीखा है. और सुबह सुबह ना जैसे मैं कई बार किचन में काम करती हूँ ना, आपके जो कमेंट्स में सुबह उठ के पढ़ती हूँ ना तो मेरे वो दिमाग में घूमते थे, अच्छा उन्होंने ये कहा है उन्होंने ये. और कोई ना पटना से है, वो मेरे लिए इतनी प्रे कर रहे थे कि आपको, आप जब भी पटना से, वैसे तो हम पटना में ही रहेंगे, कि आप जब भी पटना से जाएँ तो आप 2-3 हो जाओ, कि मैं ना छठ पूजा होती है यहाँ पे तो कह रहे अपने हाउस हेल्पर से पूछना, मैं उसमें 3 दिन का वो मेरे लिए व्रत करेंगे. और ऐसे कितना अच्छा लग रहा है सुन के, है ना. वो एक भावना होती है ना बंदे की, क्योंकि वो मैं तो आपको नहीं जानती, आप मुझे जानते, बट मेरे को लाइक व्लॉग में देख के मेरे लिए इतनी अच्छी प्रे करना, मेरा दिन बन जाता है. सच्ची बताऊँ मैं अभी ना सुबह काम कर रही हूँ तो मैं सोचूँ यार भगवान जी ने मुझे आप लोग दिए हैं. सो कहते होते ना भगवान जी कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए सोच के रखते होते हैं, तो आप लोग मेरे को जब कुछ लिखते हो ना मेरा दिल खुश हो जाता है. कड़ी हमारी हो गई है बन के रेडी. कितना अच्छा कलर आया है, वाओ देख के. बट ना टेस्ट पता नहीं, क्योंकि टेस्ट में बहुत डिफरेंस है कानपुर में और यहाँ पे ना. दही मुझे मिलता नहीं है, वो खट्टा वाला दही थोड़ा नहीं, बहुत डिफरेंस है. और एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं ना दही खुद से जाग लगा के ना जमा के देखूँ. मैंने कभी दही बनाया नहीं, कभी भी नहीं.
दही जमाया नहीं है। सो मेरा मन था कि मैं जमा के देखूँ। अपने लिए फटाफट से रोटी बना रही हूँ, इनके लिए रागी गेहूँ, अपने लिए ज्वार की रोटी। हर किसी को ना अलग अलग खाना होता है, कभी किनुआ, कभी राइस, कभी ज्वार की रोटी, कभी बेसन का चिल्ला, कभी पोहा, कभी कुछ कभी कुछ। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? तो होता है तो मेरे को ज़रूर बताना। और ये है गेहूँ और रागी का आटा, मिक्स करके मैंने गूंदा है इसको। और करेले की सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो गई। करेले तो मेरे इतने फेवरेट हैं, करेले, चाय, कड़ी, आजकल तो खीरा भी मेरे को अच्छा लगता है। कड़ी बस थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर मैं इनको फटाफट से नाश्ता डाल के दे दूँगी। ज्वार की रोटी बड़ी मस्त लगती है। और ये मेरा चाय का कप है और जो कि मैं अभी पी रही हूँ, और मैं बहुत थक चुकी हूँ। इतना तेज़ तूफान चला हुआ है कि आप पूछो ना, और मौसम इतना मस्त हो गया, ऐसा लग रहा है मैं मॉल रोड पे हूँ शिमला में। आप विश्वास कर सकते हो, यही जगह थी जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, जस्ट आप गैलरी में खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी गर्मी, इतनी लू चल रही थी। और आज ऐसा लग ही नहीं रहा था कि है यहाँ पे लू चल रही थी। एनीवेज 11 बजने में 5 मिनट है, ये चले गए थे 9:30 बजे के अराउंड। ये 9:30 जाते हैं, इतना 9 बजे चले जाते हैं, तो फिर रात को 8 बजे, 8:30 बजे। छुट्टी वाले दिन एक दिन छुट्टी कर लेते, जैसे सैटरडे को कर ले या फिर संडे को, है ना। नहीं तो छुट्टी वाले दिन भी अपने काम पे निकल जाते हैं। सो इनका रूटीन ऐसे जैसे रहता है। और पीछे से मैं जब ये जाते हैं, थोड़ी देर बैठती हूँ, आराम से फ़ोन चलाती हूँ, कुछ रील्स देखती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। और उसके आधे पौने घंटे के बाद फिर मैं उठती हूँ, फिर मेरे खाने का जो है वो स्टार्ट होता है कि क्या खाना खाना है मुझे। आज मैंने बना के रख लिया है ज्वार की रोटी, रागी। मेरे को आसानी रहती है। और मैं लेके आई हूँ ब्राउन ब्रेड। ये ना ब्रेड आपके अगर पड़ा हो घर पे, कैसे वाइट वाइट लग रहा है, सो आपको ना वो फिर थोड़ा सही रहता है। या मैंने ना एक्सपायर्ड चेक नहीं करिए, कैसे यूज बाय 2 जुलाई। ये स्पिनर इतने काम का है, इतने काम का है, मैं बोलूँ। पहले मुझे जब मैंने लिया, इसके रिव्यूज़ पड़े थे, बट जब मैंने इसको यूज़ किया मस्त है। मैं हरा धनिया लेके आई, मैंने हरा धनिया इसमें डाला, धोया, पानी निकाला, 2-3 बार धो के फिर ऐसे डाल के उसको स्पिन किया, और मुश्किल से 2 मिनट यहाँ पंखे के नीचे रखा, सूख गया धनिया। मतलब इतना मस्त, इतना अच्छा ये स्पिनर है, सच्चे में मस्ट बाय है आपके किचन में अगर ये हो। और इसको आप यूज़ करोगे एक दो बार तो आपकी उसकी ऐसी आदत हो जाएगी, आप बोलोगे यार रियली बहुत बहुत। किचन में आ गई हूँ मैं, खाना खाऊँ सबसे पहले, उसके बाद बाकी काम हम लोग स्टार्ट करें। पसंदीदा कड़ी बनी है और चाय का पैन मैंने धो के रख दिया है। अब चाय नहीं पीऊँगी, अब पीऊँगी सीधा शाम का डब्बा, मतलब चीनी ख़त्म हो गई थी, उसके बाद मैंने इसको धुल के सुखाने के लिए रखा है। ये देखो, जब का लिया है तब का ये निकाला ही नहीं है मैंने, तो अंदर से इसको मैंने साफ़ किया, बस थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद इसमें डालेंगे चीनी। ये ज्वार का आटा है, इसको भी डब्बे में मुझे डालना है। रात को धो के रखी थी, अभी सूख गई है, इसकी डंडियाँ निकाल के इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना है। ये हैं हमारे ब्रेड, सो इसको रखना है। ये मैंने बना लिए, 3 बनाए आज, तो 3 मैंने कल या परसों के लिए रखे, क्योंकि मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं 1/2 किलो लेके आई थी, और 1 पाव आज बनाए, 1 पाव फिर 1-2 दिन बनाऊँगी, थोड़े दिन रुक के। इसको ढक के रख दिया फ्रिज में। बारिश हटने का नाम ही नहीं ले रही है, और हमारे साथ क्या हुआ, इतनी बारिश हुई कि ना बेडरूम में देखो पूरा पानी आ गया है, तो मतलब इसमें भी और दूसरे वाले में भी और बाथरूम में भी अंदर तक, और दरवाज़ों के अंदर भी पानी आ गया है। तो कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं ऊपर वाले फ्लैट में रहने की। यार मैंने ना अपने बालों को तेल लगाया, एंड अभी टाइम 3:30 का हो गया, उसके बाद ना मेरे को ना लो फील हो रहा है, मतलब कुछ ना कोई पेन है, ना कोई दर्द है, ना कुछ है, नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। शायद मैंने कड़ी के साथ ज्वार की रोटी ज़्यादा खा ली,
पता नहीं इसलिए या मौसम थोड़ा ठंडा है, इतनी भयंकर नींद आ रही है मुझे। मुझे कॉल आई किसी की तो मैं फ़ोन देखूं, और मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, मुझे नींद आती थी बहुत ज़्यादा, जैसे वॉमिटिंग की मेडिसिन खा के आती, तो उस तरह से आ रही थी। और ये नींद मुझे तब भी आ रही थी जिस दिन मैं हम लोग सिटी गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे पटना, वहाँ से जब हम लोग वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तब भी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही। एनीवेज लो फील हो रहा है, और सोते सोते मुझे एक ख्याल आ रहा है कि मुझे हलवा खाना है मीठा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लाइक क्रेविंग हो रही थी, मुझे क्या खाऊँ क्या खाऊँ। तो नींद में मेरे को ऐसा लग रहा था कि मुझे हलवा खाना है, और मौसम भी देखो कितना मस्त है बारिश वाला। तो मैं बनाने जा रही हूँ, बेसन का मन था बनाने का, लेकिन मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। आई नो आपको बहुत पसंद होगा, आप मेरा ब्लॉग देख के ज़रूर बनाओगे, इतना ऐसा ही बनाना। आई नो बहुत सारी कैलरीज होती है, घी डालोगे, चीनी, ठीक है थोड़ा वर्कआउट कर लेंगे, क्योंकि अंदर से ना ऐसा मुझे हो रहा है कि मुझे कुछ खा। तो हम बनाएंगे सूजी का हलवा। ये सूजी मैं तब लेके आई थी जब हम इस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। ऐसे ना डब्बों पे अगर मिट्टी पड़ जाए तो साथ के साथ ऐसे साफ कर दो तो आपका घर थोड़ा मैनेज्ड रहता है। और मुझे ऐसा वाला पैन एक और लेना है, क्योंकि इसमें तड़का लगाते हैं तो थोड़ा सा तड़के की महक रहती है इसमें। बट एनीवेज हम लोग लगाते हैं इसको तड़का। बिना घी के बनाती हूँ। बिना घी के सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनता है, और इस बार तो मेरे पास दूध भी है, थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। तो दूध पहले ड्राई मिल्क होता था, तो उसमें उतना मतलब स्वाद नहीं आता, बट इससे बहुत अच्छा बनेगा। अभी तो मैं अमूल वाला यूज़ कर रही हूँ। ये वाला दूध मुझे अच्छा लगा, अब मैं यही वाले पैकेट मंगवाती हूँ। तो ये मेरा काफ़ी चल भी पड़ता है, मतलब 3-4 दिन जितना मुझे चाहिए होता उतना मैं यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा हलवा जल गया है, क्योंकि मुझे जला हुआ हलवा बहुत अच्छा लगता है। और ना मेरी एक फ्रेंड है IIT कानपुर से, जोया, मैंने बोल रही ना नींद में मुझे फ़ोन आया, तो उनका भी फ़ोन आया हुआ था। मैंने फ़ोन मतलब ऐसे मेरे को इतनी नींद, अब मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो पटना से ही है। सो मैंने उनको बोला मैं बस आपको कॉल करती हूँ, थोड़ी देर में फ्री हो जाऊँगी, तो कह रहे ठीक है। फिर उनसे व्हाट्सएप पे चैट हुई, तो कह रहे मैं आऊँगी तो आपसे पक्का मिलूँगी। आई थिंक वो IIT कानपुर में अभी भी हैं। मैं ना यूजुअली एक रोटी खाती हूँ, तो आज मैंने अपने लिए 5 रोटी बनाई, और मैंने 4 रोटी खाई है छोटी छोटी ज्वार की। तो शायद मुझे इसलिए नींद आ रही ना, इसलिए नींद आ रही, रोटी ज़्यादा खा ली मैंने, 5 रोटी बनाई थी सुबह मैंने, तो मैंने 4 रोटी खाई उसमें से। नहीं तो मैं 1 रोटी खाती हूँ या 2 रोटी खाती हूँ, तो इस वजह से हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, पता नहीं पर क्या है। और अभी ऐसे पेट भर के हलवा खाया, मज़ा आ गया मस्त सा। और ये झाड़ू पोछा लगा के जाएंगे, मतलब मेरे को हो कुछ ना, मेरा मन कर रहा है कि मैं सोऊं रेस्ट करूं। और पिछले दिन मैंने 10 किलोमीटर वॉक किया था, उसके पिछले दिन से वॉक भी अब मेरी हर रोज़ 10 किलोमीटर या 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर इतना हर रोज़ होता है। शायद बॉडी इतना यूज टू नहीं भी है, शायद थोड़ी बॉडी को रेस्ट चाहिए होगी, है ना। एंड बस ये सब था। और बताना मुझे अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपने ज़्यादा खाना खा लिया हो, फिर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो। मुझे ऐसा कभी कभी लगता कहीं BP तो नहीं लो हो रहा हो कि नींद आ रही हो, पर ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं था, बट बहुत तेज़ नींद थी मेरे को। ऐसा लग रहा था कि ऐसे मैंने कुछ पता नहीं कोई नींद की दवाई खाई होती ना बंदे ने, कि जैसे कोई सिट्रोजिन खाई होती है जब छिक्के वगैरह लगती है, एलर्जिक होती है, तो एलर्जी होती है तब हम खाते हैं ना छिक्के। मैंने नहीं किया यार, ये कुर्सी हमारी करते ये आज काम कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल भी उठ नहीं रही हूँ, आराम से बैठी हूँ कि जो करना है आप कर लो। पता नहीं यार बारिश इतनी तेज हुई तो बेडरूम में पानी आना शुरू हो गया, और आज वो आए थे कि वुड को जितना भी लकड़ी का अंदर सामान है उसको स्प्रे कर देंगे, तो उन्होंने बोला कि रहने दो अभी, पता नहीं लाइक मैंने करवाई नहीं स्प्रे उनसे, क्योंकि अभी कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि इधर रहना है कि नहीं रहना है। और ना अभी स्प्रे कराएंगे तो फिर अभी सफाई के लिए आए हैं, फिर वो पूरा 1 घंटा लगेगा स्प्रे में, और इतनी स्मेल पड़ जाएगी पूरे रूम में, तो उन्होंने अभी रहने दो फिर बाद में ये देखेंगे। क्योंकि ये जो जितना भी लकड़ी का वो होता है ना, इसमें दीमक वगैरह कुण होता है ना जो बोलते हैं हम, उसको लगने का थोड़ा सा वो रहता है, तो इस वजह से आज का दिन बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं था, ऐसे बड़ा बेकार सा दिन था। और अभी मैंने फिर इनको बोला कि मेरे सिर में ना तेल लगाओ, पहले मैंने खुद सुबह अपना सिर वो
जस्ता था तेल लगा के, क्या बोलते हैं यार इसको आप लोग क्या बोलते हैं, एकदम प्रॉपर तरीके से मालिश कर रही थी। मैंने इनको बोला और जैसे ये लगा रहा मेरे को मन कर रहा मैं सो जाऊँ, नींद बॉडी को ऐसे रेस्ट का ऐसे बहुत बहुत। मैं पी रही हूँ चाय शाम की, टाइम 4:15 और आज मैंने वॉक पे बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि मेरे को इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है। हो सकता है यार मैं शायद रेस्टलेस हो गई हूँ और अगर हमको शिफ्टिंग करनी पड़ी तब तो मेरी बैंड बच जाएगी बहुत बुरी तरीके से। तेरे क्यों आज ऐसा हो रहा है? अभी मैं सोचा कि चलो हलवा हलवा खा के अच्छा हो जाए। मुझे लगता है सही में अगर आप थोड़ी रोटी ज़्यादा खाओ तो आपको बहुत भयानक नींद आती है। ऊपर से फिर मेरे सिर को तेल लगा दिया उन्होंने, मसाज कर दी खूब अच्छे से और फिर मैंने एक मालिश वाली आंटी को बुलाया था हलवा खाने के बाद, मैंने मालिश कराई उससे थोड़ा रिलैक्स करूँगी। वो मालिश कर रहे हैं मेरे को नींद ऐसी मस्त वाली नींद। का दिन ना ऐसे ही गया, जब वॉक नहीं होता ना तो मेरे को बड़ा रिग्रेट फील होता है और जब मैं हलवा हलवा खा लेती हूँ ना तो मेरे को उससे भी ज़्यादा गिल्ट फील होती है अंदर से कि यार मैंने क्यों हलवा। बच्चों के झूले, बारिश आ गई, मेरे कपड़े भी ऐसे बाहर पड़े हैं। आज कपड़े मैंने अभी जस्ट लगाए थे और अभी सूखने डाल के आएंगे। कितना मस्त लगा। वॉक कर लो ना तो दिन भर टेंशन नहीं रहती, बट दिन में यार थोड़ा सा घर का काम, आई नो आपका आपको चलते रहना मतलब थोड़ा आप एक्टिव रहते हो बट यार वॉक बहुत ज़रूरी होती है भाई। इसको क्या बोलते हो आप? हम इसको बोलते थे कमारू। ये देखो ताज़ी ताज़ी हवा से ना एकदम मूड ना मेरा ऐसे अच्छा। यहाँ पे बैठती हूँ पक्षियों को देख के ना, मुझे जब जहाज देखती है पक्षी दिखती ना ऐसे मन करती कि मैं हिमाचल कब जाऊँगी। आई थिंक मैंने एक ब्लॉग में पूछा था कि कहाँ कहाँ बारिश हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद हर जगह पे मानसून आ ही गया है। तो हर जगह पे मौसम मुझे लगता है अच्छा हो गया है। कितना सुंदर लग रहा है, ये पक्षी ना खेल रहे हैं देखो, पूरा गोल 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 गोल। इतना रिलैक्स्ड और इतना अच्छा लग रहा है आपको बता नहीं सकती हो। वर्कआउट नाना करते करते मैंने 7.7 किलोमीटर कर लिया। नीचे जाती हूँ तो मैं किसी ना किसी से बात कर लेती हूँ, मम्मी से, मेरी कजन सिस्टर है, मेरी फ्रेंड थी जो IIT कानपुर से, उनसे बात करी तो बात करते करते ना वो फ्लो बन गया, फिर नींद मेरी पूरी उड़ गई और अभी इतना फ्रेश लग रहा है मेरे को, इतना अच्छा लग रहा है मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है अभी सुबह हुई है और मैंने जाना तो कहीं नहीं है। हाँ वैसे जा भी सकती हूँ इधर बगल में, अच्छा इसका तो पॉकेट ही नहीं है, मैं पॉकेट में हाथ डाल रही कि पॉकेट है। इधर बगल में जूस का मैंगो शेक, बनाना शेक ऐसे करके क्या बोलेंगे उसको, नाम क्या है उसका। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नए नए हैं, एक तो नेस कैफे है, एक रेस्टोरेंट भी है और एक वो वहाँ पे ना 7:30 खुलता है तो वहाँ पे मैं जा सकती हूँ। तो इसलिए नहीं तैयार हुई कि वहाँ पे जाना है, मैं इसलिए थोड़ा तैयार होगी कि मुझे बहुत अच्छा फील हो। आज सारा दिन बहुत लो 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 रहा और मेरे को चाय पीने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मैं चाय पीने जा रही हूँ। आज मैंने दिन में बहुत कम चाय पी है, अभी जो आपने देखा होगा गिलास भर के वो तो मैंने पिया है बट मैंने उतनी चाय नहीं पिया, तो मेरे को बड़ा अंदर से हो रहा है कि मेरे को चाय पीनी है। अभी नहीं हुआ अंधेरा, आए ठंडी ठंडी हवा और नहा के ना इतना फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कितने टाइम बाद नहाई हूँ। वर्कआउट आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता? तो मैं हर रोज़ अपनी हेयर वॉश करती हूँ, बस मैं थर्सडे को कोशिश करती हूँ कि मैं थर्सडे बीच में छोड़ पाऊँ, अदरवाइज जब वर्कआउट करते हो ना मौसम आपको अच्छा लग रहा है बट आप सिर में इतना स्वेटिंग होता है कि हर रोज़ मुझे हेयर वॉश करना ही पड़ता है। फिर मैं ना तेल भी लगा लेती हूँ और मेरे बाल थोड़े अच्छे भी हो गए हैं, तो इस तरह से मैं अपना ध्यान रखती हूँ। इस व्लॉग का बहुत लंबा हो गया है, इधर ही मैं एंड करती हूँ, आपसे नए व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, वॉक करते रहो, मेरी तरह बीच में स्किप ना करना, जितना भी करो करते रहो, वो जो नियम है ना वो नहीं टूटना चाहिए, फिर गाड़ी सही चलती है। आज थोड़ा मेरा डगमगा रहा था बीच में पर मैंने बोला नहीं प्रियंका जाना है तो जाना है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। चाय पी के जाओ। ऐसे आप कैसे जा सकते हैं यार, चाय पी के जाओ।